हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपसे इस एक्सरसाइज में आएगा यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ए यूनिक सॉल्यूशन। या हमारे पास हर एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, जो कि कोई भी वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होगी उसका हमेशा कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट मींस कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हमारे पास टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन आएगी तो उसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगी। जैसे हमारे पास वन वेरिएबल की क्या है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास क्या है वन वेरिएबल की। इसके लिए हमारे पास क्या आ सकता है, 15 माइनस 5, एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास 10। इसी तरह सेकंड है हमारे पास टू वेरिएबल्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके लिए हम डिपेंड है कि एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं तब वाई की क्या आएगी। अगर एक्स की 1 रखेंगे वाई की 9 आ जाएगी, एक्स की 2 रखेंगे वाई की 8 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत से सॉल्यूशन है, हम कुछ भी वैल्यू इसके पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। आपको इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमने अभी पढ़ा है कि टू वेरिएबल्स की अगर इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 3, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट इज बिकॉज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे पास कोई भी टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके क्या आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। वी कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जब भी हम एक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के हमें कोई भी चार सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें 4 फाइंड करने हैं तो हम 1, 2, 3, 4 करो या 2, 3, 4, 5 करो, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हमने x की वैल्यू 1 पुट की, देन 2, और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 वन जा 2 प्लस वाई, 2 को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या क्या आया इसका सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 तब y की वैल्यू क्या आएगी 5, ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह फिर हम इसके x की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 टू जा 4, 4 को उधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 3। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6, 6 को इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या क्या है सॉल्यूशन, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, वेन x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तब क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आई 7, क्या आ जाएगा 0 7। ठीक है, ये हमारे पास यार सॉल्यूशन है। इसी तरह सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वेन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई एक्स की जगह हमने पुट किया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। हमारे पास पॉइंट क्या है 0 एंड 9। एक्स इज इक्वल टू 1,
अब पाई और एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, वन, तो पाई की और वन की मल्टीप्लाई क्या आएगा, पाई। पाई को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, नाइन माइनस पाई। जब हमने एक्स की वैल्यू वन पुट की तो वाई की वैल्यू क्या आई, नाइन माइनस पाई। वेन एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, पाई मल्टीप्लाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। पाई की और टू की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, टू पाई। टू पाई को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, नाइन माइनस टू पाई। एक्स की वैल्यू टू, देन वाई की वैल्यू नाइन माइनस टू पाई। नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू वन बाई पाई, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स की वन बाई पाई, तो अब पुट करेंगे पाई मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या पुट किया, वन बाई पाई प्लस वाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वन, वन को इधर लेके आएंगे, नाइन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आया, एट। एक्स की वैल्यू हमने पुट की वन बाई पाई, वैल्यू क्या आई, एट। ये हमारे पास इसके फोर सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू फोर वाई, जब हमने x की वैल्यू जीरो पुट की तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू फोर वाई, फिर ये फोर मल्टीप्लाई इधर लेके आएंगे, डिवाइड आएगा, जीरो बाई फोर भी क्या आएगा, जीरो, तो क्या आएगा, x की वैल्यू भी जीरो एंड y की वैल्यू भी जीरो। x की वैल्यू वन पुट की, यहाँ x की वैल्यू वन पुट कर देंगे, इज इक्वल टू फोर वाई, फोर मल्टीप्लाई था इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर, क्या आ गए हमारे पास पॉइंट वन और वन बाई फोर। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, इधर टू आ जाएगा, इज इक्वल टू फोर वाई, अब फोर को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, टू बाई फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू, तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, टू एंड वन बाई टू। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू फोर पुट करेंगे, फोर इज इक्वल टू फोर वाई, फोर को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आएगा, फोर से फोर कैंसल, y की वैल्यू क्या आई, वन, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, फोर एंड वन। ये हमारे पास चार इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर एंड विच आर नॉट। आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स से हमें फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो फोर के इक्वल आ जाता है तो क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अब पॉइंट हमारे पास फर्स्ट में क्या है, जीरो और टू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, वाई की वैल्यू क्या है, टू, इसके अंदर पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, वाई की जगह क्या आ जाएगा, टू, और टू टू जहाँ फोर, माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, क्या माइनस फोर फोर के इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फॉर इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंड जीरो, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू, वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, टू, माइनस वाई की जगह क्या पुट किया, जीरो, टू और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो, इधर क्या आया, टू, इधर क्या है, फोर, क्या टू और फोर इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फोर इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर जीरो, नेक्स्ट आपको दे रखा है फोर जीरो, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, x माइनस y की जगह क्या पुट किया, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 4, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर 4 और 0 इज ए सॉल्यूशन, कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है रूट टू एंड फोर रूट टू, एक्स की वैल्यू रूट टू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू फोर रूट टू पुट करेंगे, अब एक्स की जगह हमने रूट टू पुट किया, माइनस वाई की जगह टू मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू क्या है, फोर रूट टू इज इक्वल टू फोर, रूट टू, टू फोर जा एट, रूट टू, क्या ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फोर के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फॉर इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। लास्ट है हमारे पास वन वन, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, वाई की वैल्यू भी वन पुट करेंगे, इज इक्वल टू फोर है, इधर वन आ जाएगा, टू वन जा टू, माइनस टू और प्लस का वन क्या आएगा, माइनस वन, इज इक्वल टू में क्या है, फोर, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो नॉट ए सॉल्यूशन। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करेंगे इफ,
अगर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आपको क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। करो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 एज इट इज, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, 2 टू जा 4 प्लस 3 एज इट इज, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, 2 टू जा 4 प्लस 3 वन जा 3, 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू में क्या है k, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7। यही हमें फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।